हेलो एवरी वन वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल सो टूडे वी स्टार्ट विद द कॉन्सेप्ट ऑफ साइकोलॉजी लेट्स स्टार्ट विद द डेफिनेशन ऑफ साइकोलॉजी साइकोलॉजी इट इज़ द सिस्टमैटिक एंड साइंटिफिक स्टडी ऑफ मेंटल प्रोसेसेस एक्सपीरियंस एंड बिहेवियर्स बोथ ओवर्ट एंड कोवर्ट अब ओवर्ट एंड कोवर्ट क्या होता है ओवर्ट मीन डन इन एन ओपन वे जो भी काम करना है वो ओपनली करना है कोवर्ट मीन डन विद सीक्रेटली सम इंडिविजुअल होते हैं जो अपना काम करते हैं वो ओपन वे में करते हैं एंड सम आर डू देयर वर्क इन सीक्रेट वे दैट इज़ कोवर्ड मीन कवर करके रखते हैं ज़्यादा शेयरिंग उनको पसंद नहीं है तो साइकोलॉजी क्या है ये एक सिस्टमेटिक एंड साइंटिफिक स्टडी है किसी भी इंडिविजुअल के मेंटल प्रोसेसेस कैसे वो काम कर रहा है उसके एक्सपीरियंस क्या है उसका बिहेवियर क्या है अदर इंडिविजुअल के साथ वो हम साइकोलॉजी में स्टडी करते हैं राइट साइकोलॉजी तो साइकोलॉजी वर्ड कहाँ से लिया गया है ये ग्रीक वर्ड से लिया गया है साइकी प्लस लोगोज जिसमें साइकी का मीन होता है सोल और लोगोज का मीन होता है स्टडी बेसिकली इट इज द स्टडी ऑफ सोल एंड इट इज द ओल्डर डेफिनेशन ऑफ साइकोलॉजी राइट टर्म साइकोलॉजी किसने दी थी ये दी थी रुडोल्फ गोकेल ने इन 1590 में ठीक है 1590 में रुडोल्फ गोकेल ने दी थी टर्म साइकोलॉजी और इन्होंने एक बुक भी लिखी थी साइकोलॉजी से रिलेटेड दैट इज साइकोलॉजी साइकोलॉजिया राइट और यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है अब बात कर लेते हैं फादर ऑफ साइकोलॉजी कौन है फादर ऑफ साइकोलॉजी विलियम वुंट अब इनको और नाम से भी जाना जाता है जैसे कि फ़ादर ऑफ़ एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी हो गया फ़ादर ऑफ स्ट्रक्चरलिज्म हो गया क्योंकि इन्होंने स्ट्रक्चरलिज्म स्कूल्स के बारे में बताया था फादर ऑफ़ इंट्रोस्पेक्शन मेथड और ये जो इंट्रोस्पेक्शन मेथड है ये जो ओल्डेस्ट मेथड है ठीक है ओल्डेस्ट मेथड इन साइकोलॉजी इज द इंट्रोस्पेक्शन मैथड तो इन्होंने इसके बारे में बताया था विलियम वुंट ने बताया था इनके बारे में तो देखिए एक ही क्वेश्चन में हमने कितने कवर कर लिए फादर ऑफ साइकोलॉजी फादर ऑफ़ एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी फादर ऑफ स्ट्रक्चरलिज्म और फादर ऑफ इंट्रोस्पेक्शन मैथड विलियम वंट इनका जो बर्थ हुआ था वो एटीन में हुआ था और डेथ नाइनटीन में हुई थी राइट तो एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी के फादर इनको क्यों कहा जाता है क्योंकि इन्होंने फर्स्ट एक्सपेरिमेंटल लेबोरेटरी एस्टैब्लिश की थी कहाँ की थी लिपजिंग में इन जर्मनी में कब की थी अट्ठारह एटीन में ठीक है अठारह में इन्होंने जो है एक्सपेरिमेंटल लेबोरेटरी एस्टैब्लिश की थी जर्मनी में अब ये लिखा है यहाँ पे क्यों की थी सो दैट टू इनिशिएट अप्लाइड साइकोलॉजी की साइकोलॉजी को किन किन फील्ड्स में हम अप्लाई कर सकते हैं वो इन्होंने बताया था इन्होंने सेट की थी साइकोलॉजी लेबोरेटरी टू इनिशिएट अप्लाइड साइकोलॉजी वहाँ पे उन्होंने एक्सपेरिमेंटल लेबोरेटरी सेट की थी एट द यूनिवर्सिटी ऑफ लेब्जिंग इन जर्मनी एटीन में ठीक है फर्स्ट एक्सपेरिमेंटल लेबोरेटरी थी ये yes, राइट right? अब फादर ऑफ मॉडर्न साइकोलॉजी की बात कर लेते हैं कौन थे विलियम जेम्स और इनको अमेरिकन साइकोलॉजी के फादर भी कहा जाता था और फादर ऑफ फंक्शनलिज्म क्योंकि इन्होंने फंक्शनलिज्म स्कूल्स के बारे में बताया था राइट और जो स्ट्रक्चरलिज्म जो स्कूल था वो विलियम वोट ने और फंक्शनलिज्म के बारे में विलियम जेम्स ने कहा था और इन्होंने 1890 में बुक लिखी थी जिसका नाम था प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजी प्रिंसिपल साइकोलॉजी बुक किसने लिखी थी विलियम जेम्स ने और कब लिखी थी 1890 में राइट और फादर ऑफ बिहेवियरिज्म इट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ठीक है जे बी वॉटसन इज द बिहेवियरिस्ट थे ये जिन्होंने बिहेवियरिज्म स्कूल्स के बारे में बताया था और इन्होंने ही मॉडर्न डेफिनेशन दी थी साइकोलॉजी की विच इज़ द स्टडी ऑफ बिहेवियर कि हम किसी भी इंडिविजुअल के बिहेवियर को स्टडी करते हैं दैट इज़ द डेफिनेशन ऑफ मॉडर्न डेफिनेशन ऑफ साइकोलॉजी राइट तो इनको फादर ऑफ बिहेवियरिज्म कहा जाता था क्योंकि इन बिहेवियर के बारे में बताया था जे बी वाटसन ने राइट अब अब हमने साइकोलॉजी लैब्रेटरी की बात की जर्मनी की अब फर्स्ट लैब्रेटरी जो इंडिया में थी साइकोलॉजी लैबरेटरी कब एस्टैब्लिश हुई कहाँ थी वो थी कलकत्ता यूनिवर्सिटी में 1916 में एस्टैब्लिश की थी किसने की थी बाई एन एन सेन गुप्ता ने ठीक है नरेंद्र नाथ गुप्ता ने इन्होंने एस्टैब्लिश की थी कलकत्ता में अब कुछ डेफिनेशंस के बारे में बात कर लेते हैं कि साइकोलॉजी को किस किस डेफिनेशन या नाम से जाना जाता है साइकोलॉजी जो सबसे ओल्डेस्ट डेफिनेशन है दैट इज़ कि साइकोलॉजी क्या है एज द स्टडी ऑफ सोल है राइट स्टडी ऑफ सोल है साइकोलॉजी तो पहले माना जाता था बिलीव किया जाता है कि सोल जो है वो एक एंटिटी है और ये कंट्रोल करती है सारी मेंटल एक्टिविटी को सोल क्या है एक वो एन एंटिटी जो कंट्रोल करती है ऑल हमारे जो मेंटल एक्टिविटीज हैं उनको सोल ही कंट्रोल करती है ये माना जाता था फिर उसके बाद कॉन्सेप्ट आया स्टडी ऑफ माइंड के बारे में स्टडी ऑफ माइंड के बारे में आया था और इन्होंने इस डेफिनेशन को नेगलेक्ट कर दिया था तो स्टडी ऑफ माइंड ठीक है तो इसमें बताया गया था कि जो साइकोलॉजी है वो स्टडी है माइंड की बट उसके बाद मॉडर्न साइकोलॉजिस्ट आए जिन्होंने कॉन्शियसनेस के बारे में बताया विलियम जेम्स विलियम बूंड। उन्होंने क्या किया उन्होंने बताया कि ये स्टडी ऑफ माइंड नहीं है इट इज़ द स्टडी ऑफ कॉन्शियसनेस किसने बताया विलियम बुन्ड एंड विलियम जेम्स ने इस डेफिनेशन को नेगलेक्ट कर दिया तो उन्होंने बताया कि साइकोलॉजी क्या है साइंस ऑफ कॉन्शियसनेस है ठीक है उन्होंने बताया कि जो हमारा माइंड होता है उसमें कॉन्शियस एक्सपीरियंस होते हैं क्या होते हैं कॉन्शियस एक्सपीरियंस होते हैं राइट तो उसके बाद जो है इस डेफिनेशन को भी बेहेवियर डिस्ट आए जिन उन्होंने नेग्लेक्ट कर दिया राइट कौन थे वो वॉटसन जे वी वॉटसन ने इन सारे डेफिनेशंस को नेग्लेक्ट करके कहा कि जो साइकोलॉजी है इट इज द एक्चुअली द स्टडी ऑफ बिहेवियर इट इज़ द स्टडी ऑफ बिहेवियर ठीक है क्योंकि ह्यूमन जो है एक सोशल एनिमल है जो एक सोसाइटी में रहता है तो उसका बिहेवियर अदर इंडिविजुअल के साथ कैसा है कैसा है वो किस तरह से उनके साथ डील करता है वो सारा हम साइकोलॉजी में स्टडी करते हैं ठीक है ठीके? तो अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन ने कहा कि साइकोलॉजी स्कॉलरली डिसिप्लिन है साइंस एंड प्रोफेशन क्यों है क्योंकि ये हेल्प करता है इट हेल्प अस टू अटेम्प्ट टू एक्सप्लेन प्रिंसिपल्स एंड थ्योरीज ऑफ बिहेवियर इन्होंने बिहेवियर को ही डेफिनेशन को ही सही माना कि इट इज़ एक्चुअली द स्टडी ऑफ बिहेवियर ठीक है अब देख लेते हैं सम डेफिनेशन रिलेटेड टू साइकोलॉजी एरिस्टोटल ने क्या कहा था एरिस्टोटल ने कौन सी डेफिनेशन दी थी क्योंकि आजकल डायरेक्ट डेफिनेशन से ही क्वेश्चन आ रहे हैं लाइफ हैज़ नो मीनिंग विदाउट सोल कि लाइफ का कोई मतलब नहीं है बिना सोल के ठीक है ये कहा था एरिस्टोटल ने आ अकॉर्डिंग टू गिलफोर्ड साइकोलॉजी इज अ साइंस ऑफ मेंटल एक्टिविटी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म कि जो भी मेंटल एक्टिविटीज कर रहा है ऑर्गेनिज्म उसकी जो मेंटल एक्टिविटीज़ हैं दैट इज साइकोलॉजी ये कहा था गिलफोर्ड ने अब आ गया अकॉर्डिंग टू क्रो एंड क्रो ने डेफिनेशन दी कि साइकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर एंड ह्यूमन रिलेशनशिप ह्यूमन का बिहेवियर क्या है उसके रिलेशनशिप्स क्या है दैट इज साइकोलॉजी अकॉर्डिंग टू विलियम जेम्स उन्होंने अठारह सौ बानवे में बताया था कि साइकोलॉजी इज द स्टडी है। ये जेम्स ने कहा था प्रोसेस है ई वॉटसन आए उन्होंने कहा कि साइकोलॉजी इज द पॉजिटिव साइंस ऑफ बिहेवियर ठीक है साइंस ऑफ बिहेवियर किसने कहा था वॉटसन ने सो so, ये था आज साइकोलॉजी से रिलेटेड थोड़ा छोटा सा वीडियो थैंक यू